ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, बढ़ेंगे खबरों की ओर। भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत अधिग्रहण की गई जमीनों के मुआवजे को लेकर काफी दिनों से धरना दे रहे किसानों पर लाठीचार्ज के बाद दोबारा फिर से पंजाब का माहौल गर्माना शुरू हो गया है। किसानों ने लाठीचार्ज के विरोध में पूरे पंजाब में रेलवे ट्रैक जाम करने का फैसला लिया है। इसी कड़ी में आज जालंधर कैंट के रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर किसान नारेबाजी करते हुए नजर आए। किसानों ने आज जालंधर कैंट रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर रेल ट्रैक को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया। अज के प्रोटेस्ट बारे दस दे। मैं सलविंदर सिंह जानिया, जिला प्रधान किसान मजदूर शिखर कमेटी जलंधर वालों। अज का प्रोटेस्ट यह है जिहड़ा गुरदासपुर च कल जिहड़ा सरकार ने प्रशासन ने जिहड़ा अत्याचार किया विरोध के वो जिहड़ा असी जिहड़ा रोड निकल दिया सी हैवी जम्मू कटड़ा उहदे च जिहड़ा पिछले मिंदणा च धरने लगे सी उहदे च घपलेबाजी बहुत ज़्यादा सी जिहड़ी जिहड़ी प्रशासन ने की सी भी एक खेत का जिहड़ा 1.5 करोड़ रुपया ते नाल दी वाटा इहदा 25 लाख उहदे च धरने ला के होया भी ना 1.5 करोड़ रहिण देणा ते ना 25 लाख रहिण देणा। 1 करोड़ 18 लाख रुपया जिहड़ा उहदी जिहड़ी कीमत पाई गई ते जिहड़ा DC गुरदासपुर ते IG बार्डर रेंज दा सी उहनां समझौता किया भी असीं गश्त तक जिहड़े सारे पैसे पा के ते फिर जमीना जावांगे। पर कल उन्हें जो आज जिमनी चोन जो जितनी 4 दिन पहला तो भगवंत मान ने आर्डर दिते भी इन्हों किसानों मित्रों कुट के कड़ दो इन्हों पैसे भी नहीं देने वो फिर उन्हें विरोध किया भी जिन्ना चर साढ़े पैसे नहीं दिते उन्ना चर नहीं छड़ांगे। तो पर उत्थे अत्याचार बीबिया के बच्चों के आम बजुर्गों के सारा होया उन्होंने कुट कुट के जोड़ा वो थाणिया जिले ले जाया गया उन्होंने पगां लाइया गई उन्होंने विरोध च असी आखिया भी सारे पंजाब च 1 बजे तो साडा धरना चलूगा जिन्ना चिर साढ़े नाल भगवंत मान जी गलबात नहीं करता उन्ना चिर लगातार ही चलता। बिल्कुल जो गल करिए सरकार दे नाल कोई गलबात हुई? देखो सरकार दे जिहड़े नुमाइंदे आ DC आ IG रेंज आ बार्डर रेंज उन्हें गलबात करके जिहड़ा समझौता किया ते पर उन्हां जिहड़ा जिहड़ा हुण जिमनी चोर जलंधर जितन दा करके भी जनता सारी साढ़े मगर हो गई आ उन्हें जिहड़ा अत्याचार लोगों ने करना शुरू ते प्रोटेस्ट किन्नी देर चलेगा? ये भगवंत मान चौन जदों मीटिंग दिंदे आ वो मसले ते जिहड़े किसानां मजदूरां नूं छड्दे आ पैसों का गलबात करते भी किन्ने चिर च पाउणे आ उन्हां चिर लगातार चलूगा जिन्ने दिन मर्जी लगे। तो इस खबर पर और भी ज़्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ जालंधर से सहयोगी सुमित खन्ना जुड़े हुए। जी सुमित, जिस तरह से भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत हाईवे का निर्माण किया गया है और जमीन को अधिग्रहण किया गया, तो हम जानना ये चाहते हैं कि कितने जिले इस जमीन अधिग्रहण के तहत प्रभावित हैं? जी बिल्कुल, अगर हम पूरे इस भारतमाला प्रोजेक्ट से लेकर अमृतसर, गुरदासपुर और पठानकोट के जो इलाके हैं वहां से भारतमाला प्रोजेक्ट निकलना है और जहाँ पर ये दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस हाईवे बन रहा है तो उसके अंदर कुछ किसानों की जमीन आती है क्योंकि सड़क निर्माण करने के लिए जमीन अधिग्रहण करना बहुत जरूरी था तो उसके लिए जो जमीन अधिग्रहण किया जा रहा था तो वहां पर किसानों का ये मानना था कि कुछ किसानों को तय रकम से ज्यादा जो है पैसा दिया गया है जिसके कारण कुछ किसान को बहुत कम कीमत पर पैसे दिए जा रहे हैं। तो इसको लेकर एक बहुत लंबे समय से विवाद जो है प्रशासन और किसानों के बीच चल रहा था। तो कल जब बटाला और गुरदासपुर के बीच में जब वहां पर किसान धरना दे रहे थे तो वहां पर एक तरह की एक फाइट जो है वो दोनों पुलिस प्रशासन और किसानों के बीच में हुई जिसके बाद किसानों में रोष पाया गया और किसान जथेबंदियों ने वहां पर आह्वान किया कि वह कल से जो है ट्रेन रोकेंगे। उसके तहत आज जो है रेल रोको आंदोलन जो है पूरे आज पंजाब भर में किया गया जिसमें कि अमृतसर, फजिलका, लुधियाना, जलंधर और उसके साथ साथ बटाला और गुरदासपुर के इलाकों में जो है पूर्ण तौर से आज रेल को जाम किया गया है। इसके तहत अब प्रशासन के अधिकारियों के साथ अभी मीटिंग का दौर जारी है और ये आश्वासन दिलवाया जा रहा है कि जल्द से जल्द जो है इनमें जो है तब्दीली की जाएगी और खुलवाया जाएगा। लेकिन फिलहाल किसानों का ये मानना है कि जब तक उनको आश्वासन पूरा नहीं मिलेगा, जब तक उनको तय राशि नहीं मिलेगी, उसके साथ साथ जो एक कल महिला के ऊपर एक पुलिसकर्मी के द्वारा थप्पड़ भी जड़ दिया गया था उस मामले में अगर कोई कार्रवाई नहीं होगी तब तक उनका ये धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। और आज उसी धरने प्रदर्शन के चलते जो है आज देख सकते हैं आप की तस्वीरों में से पूर्ण तौर से जो है रेल ट्रैक जाम है और अमृतसर से जो नई दिल्ली की ओर जाने वाली गाड़ियां हैं खास करके जो बड़ी गाड़ियां हैं जिसमें शताब्दी एक्सप्रेस और जन शताब्दी एक्सप्रेस जो बढ़िया गाड़ी जाती है उसके साथ साथ देश के अलग अलग कोनों में जो गाड़ियां जाती हैं वह पूर्ण तौर से बंद की गई है और खासा असर देखने को मिल रहा है और किसानों के द्वारा ये है धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। ये जो भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत जो सड़क बनाई गई थी कौन से साल में तैयार हुई थी बनकर?
सड़क बन रही है, क्योंकि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसके तहत पूरे देश को भारतमाला के तहत जोड़ा जा रहा है कि सारे देश में जो है एक बड़ी कनेक्टिविटी, बड़े हाईवेज बने जहां पर कि लोग भ्रमण के लिए जा सके। तो खास करके अगर अमृतसर की बात करें तो एक बड़ा स्टेशन है, टूरिस्ट सेंटर है, इसके लिए जो है दिल्ली से अमृतसर, अमृतसर से कटरा एक्सप्रेस हाईवे तैयार किया जा रहा है। तो ये एक्सप्रेस हाईवे जो है इसके तहत जो है यहाँ पर भूमि अधिग्रहण की जा रही थी, जिसके लेकर किसानों में नाखुश थे। उनका कहना था कि प्रशासन सही तय रेट जो है वो उनको नहीं दे रहा है, जिसके कारण उनके अंदर रोष था। और इसी बीच कल एक बहुत बड़ी झड़प जो है वो गुरदासपुर के अंदर हुई, गुरदासपुर और बटाला के बीच में जहाँ पर सड़क निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण की जा रही थी, वहां पर कल किसान जो है धरना दे रहे थे। तो वहां पर पुलिस के साथ झड़प होती है और इसी बीच एक वीडियो भी सामने आती है जिसमें कि एक पुलिसकर्मी के द्वारा एक महिला को थप्पड़ जड़ दिया जाता है। तो इसके बाद जो है विवाद गरमा गया, किसान गुस्से में आ गए और किसानों ने जो है गुस्से में आकर आक्रोशित होकर जो है रेलवे ट्रैक को जाम किया, जिसके चलते एक बड़ा धरना प्रदर्शन जो है उसको अमृतसर के देवीदासपुरा जो इलाका पड़ता है जंडियाला का, वहां पर लगाया गया है। और इसके साथ साथ पंजाब के अलग अलग कोनों में अगर फाजिलका की बात की जाए, जलंधर कैंट की बात की जाए, तो वहां पर भी धरने प्रदर्शन चल रहे हैं। और पूर्ण तौर पर अगर बात करें तो जो मुख्य रेल मार्ग है वो अमृतसर से नई दिल्ली की ओर जाने वाला है वो पूर्ण तौर से भी बंद है। तो इससे खासा लोग जो है प्रभावित होते हुए नजर आ रहे हैं। जी सुमित, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो रफ्तार मीडिया की इस खास पेशकश राज्यों से मैं फिलहाल इतना ही, बने रहे रफ्तार मीडिया के साथ। नमस्कार।